नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 13 जुलाई 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पहले वो हम आपके सामने रखते हैं। जरा इस अपडेट को देखिए। तीसरे सत्र में विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का भेजा गया प्रस्ताव। ठीक है, अभी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है और प्रमोट का जो आश्वासन था उस पर दोस्तों मुहर लगी थी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक बात लिखी है कि 2 सप्ताह के अंदर, 2 वीक के अंदर जो भी दोस्तों होगा प्रमोट का नोटिस उसको जारी किया जाएगा। उसके बाद अगली अपडेट या अगले न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आई कि डीएलएड 2019 तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट करने का शासन को भेजा गया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा गया है कि प्रस्ताव ही भेजा गया है, न कि अभी छात्र प्रमोट हुए हैं। उसके बाद अगले न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट आती है, तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को ना प्रमोट कर रहे हैं ना परीक्षा का पता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल उठाया गया, ना तो अभी तक आपको प्रमोट किया गया है ना तो पेपर कराया गया। उसके बाद दोस्तों कोरोना की भी अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और एक और बड़ी अपडेट की, चुनाव के मद्देनजर 1 माह पहले मिलेगी छात्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, स्कॉलरशिप को लेकर यह बड़ी अपडेट है। एक बात और आपको बता दें, ठीक है, अभी तक दोस्तों मान सकते हैं कि 4 साल में भले आपको स्कॉलरशिप कभी ना मिली हो, लेकिन इस साल चुनाव का टाइम रहेगा, देखिएगा आप लोग बढ़िया अच्छी वाली स्कॉलरशिप छात्रों को बटेगी। ठीक है, उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे। अब तक दोस्तों 21 लाख पास कर चुके यूपी टेट की परीक्षा। परीक्षा निवारक प्राधिकारी सचिव ने 5 साल की वैधता की समय सीमा खत्म कर दी राहत। जी हाँ दोस्तों, आपका जो टेट का सर्टिफिकेट है आपको लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। उसके बाद एक और अपडेट आती है, शिक्षकों की भर्ती के लिए सीएम आवास के बाहर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, रखी गई यह मांग। इस अपडेट को देखेंगे। और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग तेज हो गई है। आपको दोस्तों बता दें, अगर ये 22,000 सीटें 69,000 में जुड़ गई तो जो नई शिक्षक भर्ती आएगी तो वहां पर दोस्तों 22,000 सीटें कम आएंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये 22,000 सीटें वहां ना जुड़े तो आप लोग भी अपना अभियान चलाते रहिएगा, नहीं तो दोस्तों 22,000 का फायदा 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों को होगा और जो नए बच्चे इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती को लेकर उनके साथ दोस्तों ये दिक्कतें आएंगी। फिर उसके बाद एक और अपडेट आती है कि बीएड के अभ्यर्थियों की हाजिरी डिस्पोजल स्ट्रिप से लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये क्या मैटर है इसको भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद देखिए, डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मांगा, ठीक है, सेमेस्टर प्रमोशन। इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। तो गाइस, एक एक करके आज की बड़ी अपडेट्स आपके सामने रखी जाएगी। और आपको बता दें, प्रमोट करने को लेकर बड़ी खबर देखेंगे और अफवाहों से सावधान। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही है, उससे आप लोग सावधान रहिए। नई शिक्षक भर्ती 2021 विज्ञापन अभियान महाधरना आज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, नई भर्ती को लेकर लखनऊ एससीईआरटी में दोस्तों लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और आज महाधरना फिर से है। तो एक एक करके दोस्तों सारी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, नई भर्ती वाली अपडेट हम क्यों आपको बताते रहते हैं कि अभी तक दोस्तों 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर में छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया, सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर पहले हम आपके सामने रखते हैं, उसके बाद आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। इस अपडेट को दोस्तों आप देख रहे हैं, प्रमोट करने का शासन को भेजा गया प्रस्ताव। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मिलने पहुंचे थे। इसी प्रकार डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा की ओर से भी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर सचिव से मुलाकात की गई। तो दोस्तों मिलने में इन सब छात्रों का नाम है। उसके बाद देखिए, तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को ना तो ये प्रमोट कर रहे हैं ना तो परीक्षा का पता है। ये अपडेट दोस्तों हमारी लखनऊ से आ रही है, इससे पहले वाली अपडेट ये हमारी प्रयागराज से थी। जी हाँ दोस्तों, इसको जरा ध्यान दीजिए आप लोग, एक अपडेट आपकी प्रयागराज से, दूसरी अपडेट आपकी लखनऊ से आ रही है। इसमें क्या लिखा है, डीएलएड 2019 बैच का तृतीय सेमेस्टर खत्म हुए 5 महीने का समय हो चुका है, लेकिन न परीक्षा का कुछ पता है और न ही छात्रों को प्रमोट करने का आदेश जारी हुआ है। छात्र उन्हें जल्द प्रमोट करने का आदेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। तृतीय सेमेस्टर को पूरा हुए जहां 5 महीने हो चुके हैं, वही चतुर्थ सेमेस्टर का सत्र 24 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तृतीय सेमेस्टर के छात्रों ने मांग की है कि हाई स्कूल, इंटर, यूजी, बीएड, डिप्लोमा व अन्य ट्रेनिंग कोर्सों के छात्रों की तरह उन्हें भी प्रमोट कर दिया जाए। डीएलएड 2019 संयुक्त मोर्चा संघ के गिरिराज सिंह व अवनीश शर्मा ने बताया कि
प्रमोट करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि चौथे सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित है। छात्रों ने विभाग को सुझाया है कि अभी उन्हें प्रमोट कर चौथे सेमेस्टर में प्रवेश दे दिया जाए। जो छात्र चौथे सेमेस्टर को उत्तीर्ण ना कर पाए उसके लिए तृतीय सेमेस्टर की भी परीक्षा अनिवार्य कर दी जाए। छात्रों ने बताया कि विभाग ने उन्हें प्रमोट करने का आदेश जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, और आपको बता दें यहाँ पर भी दोस्त यही बात रखी गई कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर ही थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। सिंपल सी बात दोस्त ये, जब आपको 2019 बैच फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था तो उसका आधार था द्वितीय सेमेस्टर, कि जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का पेपर होगा जो भी दोस्त आप नंबर पाएंगे वही नंबर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का मान लिया जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों सवाल यहाँ पर ये है ना, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक नोटिस आया था या न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आई थी, जो बच्चे औसत अंक के आधार पर सेकेंड सेमेस्टर पास नहीं कर पाएंगे उनको फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा। फिर दोस्तों कल एक और अपडेट निकल कर आई कि 72,000 प्रशिक्षुओं की जो परीक्षा है वो अगस्त में कराई जाएगी, मतलब फेल छात्रों का पेपर अगस्त में कराया जाएगा। तो गाइस समय समय पर अलग अलग अपडेट्स न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल रही है, तो सभी अपडेट्स को दोस्तों हम आपके सामने रखते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों डीएलएड धरना प्रदर्शन एक बड़ी जीत तो आई है, लेकिन आपको बता दे अभी शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया, शासन मतलब सरकार है दोस्तों, ठीक है। तो पीएनपी अपने तरफ से तो देखिए मान रही है कि हम प्रमोट कर देंगे, लेकिन देखिए जो इसका फाइनल डिसीजन होगा ना वो पीएनपी नहीं ले सकती, फाइनल डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। तो गाइस आश्वासन पीएनपी ने दिया और पीएनपी ने अपना काम किया, तो गाइस पीएनपी के लिए कम से कम आज एक लाइक तो बनता है। जी हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बनता है पीएनपी के लिए, क्योंकि पीएनपी अब ये तो चाहती है कि आप लोग प्रमोट हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंतिम फैसला सरकार पर छोड़ा गया, और देखिए दोस्तों जब पीएनपी अगर ये चाह गई कि आप प्रमोट हो तो सरकार भी दोस्तों डेफिनेटली ये चाह जाएगी कि आपको प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। देखिए प्रमोट होंगे तो सरकार का भी यहाँ फायदा होगा, पीएनपी का भी फायदा होगा। देखिए इतने सेंटर इनको अलॉट करने पड़ते हैं, ठीक है, इतनी कॉपी आती है, पेपर छपवाने पड़ते हैं, सबका पैसा बचेगा ना उनका, क्या करना दोस्तों। सिंपल सी बात है, सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर इन्हीं के बेसिस पर इनको रिजल्ट डिक्लेयर करना होगा। आपको बता दें कि सभी बच्चे कौन सी कंडीशन में प्रमोट हो सकते हैं, काफी बच्चों का सवाल आता है कि सर जी सभी लोग जिन बच्चों की दो विषय में बैक लगी है वो बच्चे कैसे प्रमोट होंगे, क्या आधार हो सकता है। तो गाइस आपका आधार सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर हो सकता है, अगर सेकेंड के बेसिस पर प्रमोट किया गया तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, अगर सेकेंड में आपकी बैक है तो फिर थर्ड में ये प्रमोट नहीं कर पाएंगे। तो गाइस फोर्थ सेमेस्टर के ही आधार पर सभी छात्रों को प्रमोट किया जा सकता है। अब देखिए आपके मन में एक और सवाल होगा प्रमोट करने को लेकर, तो गाइस अभी आपको बता दे पहले कुछ बड़ी अपडेट जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों अभी आप लोगों का स्कूटनी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों स्कूटनी रिजल्ट के बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट रिजल्ट घोषित होगा, ये दो बड़े रिजल्ट के बाद ही दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं कि स्कूटनी का रिजल्ट आ जाए प्लस फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाए, फिर फोर्थ का पेपर कराकर जैसे उसका रिजल्ट आए थर्ड का भी रिजल्ट घोषित करते हैं, बात खत्म, या तो ये रास्ता अपनाया जा सकता है। तो गाइस आने वाले टाइम में अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और ये बीएड वाला दोस्तों क्या मैटर है इसको जरा देखिए, 30 जुलाई को होने वाली उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 और 23 प्रदेश के 1476 केंद्रों पर होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों को पूर्ण सैनिटाइज होंगे, वही दोस्तों डिस्पोजल स्ट्रिप से अभ्यर्थियों की अटेंडेंस की व्यवस्था होगी। इसमें अभ्यर्थियों की अंगुलियों के चिन्ह लेने के लिए प्रत्येक के लिए अलग अलग डिस्पोजल स्ट्रिप रखी जाएगी, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को दूसरे की प्रयोग स्ट्रिप छूना ना पड़े। प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। तो दोस्त ये मैटर है, ठीक है, उनका पेपर हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम की बात है। ये 69,000 के दोस्तों अपडेट हम आपको दे रहे हैं। देखिए सारी अपडेट हम आपके सामने पता क्यों रखते हैं, ताकि दोस्तों सही खबर आप तक पहुंचती रहे। देखिए बाकी ये 22,000 सीटें जुड़वा लेंगे ना, आपको बता दें अभी क्या हो रहा है कि नई भर्ती को लेकर 97,000 सीटों की मांग की गई है। अब ये 97,000 सीटें आ कहाँ से रही, कभी कभी आप लोग इसको भी सोचा करिए यार कि नई भर्ती बच्चे कहते कि 97,000 पदों पर आएगी, लेकिन सरकार ने देखिए सुप्रीम कोर्ट हलफनामे में ये कहा था कि इनके पास 51,112 पद खाली हैं, ठीक है। और बच्चे 97,000 कैसे जोड़ रहे हैं, 51,000 में 222,000 पद, 68,500 शिक्षक भर्ती में खाली रह गए, तो तकरीबन दोस्तों अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 70,000 से अधिक पद हो गए। उसके बाद बच्चों का ये मानना है कि हर साल लगभग 10,000 टीचर रिटायर हो जाते हैं,
उस हिसाब से दोस्तों बच्चे जोड़ घटाना कर 97,000 पदों की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये भी सोचा करिए। एक बात और आपको बता दें, 30 बच्चों पर एक टीचर की नियम है। मतलब अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल में जाते हैं वहां पढ़ाने, अगर वहां 300 बच्चे पढ़ रहे हैं तो नियम के हिसाब से वहां पर कम से कम 10 टीचर की आवश्यकता है। आप देखते होंगे कहीं पर 2 टीचर है, कहीं पर 1 टीचर है, कहीं पर 5 टीचर है। ठीक है, और कहीं कहीं ये होता है दोस्तों, स्कूल में 50 बच्चे हैं लेकिन वहां पर 10 टीचर हो गए, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है। तो इसी को देखकर टीचर के दोस्तों काउंटिंग होती है, उस टीचर का ट्रांसफर हो जाता है जहां बच्चे कम है, जहां बच्चे ज्यादा है। ठीक है, ये सब दोस्तों देखा जाता है। बाकी पीएनपी से जो और अपडेट्स निकल कर आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिए। पहले देखिए, जितने बच्चों की बैक लगी है, फेल है, उन बच्चों के मन में डाउट है कि यार हमारा प्रमोट का फार्मूला क्या है। अभी तक दोस्तों देखिए, बच्चों की जो डिमांड है वो फोर्थ के आधार पर थर्ड को प्रमोट करने की बात कही गई है। ठीक है, और कोई दोस्तों प्रमोट का नया नियम अभी दिख नहीं रहा है, तो ये मान के चलिए कि अगर फोर्थ के आधार पर हो गया तो बैक प्रशिक्षु भी प्रमोट हो जाएंगे। एक ही दोस्तों कंडीशन है, बाकी सेकंड के आधार पर प्रमोट किया गया तो फिर देखिए दिक्कत हो जाएगी। भले ही दोस्तों आपको कोई कुछ भी कहे, लास्ट टाइम 18 बैच के साथ हो चुका है। अगर आप गलती करेंगे तो दोस्तों फिर वही होगा कि फोर्थ के चक्कर में थर्ड में भी बैक आ जाएगी आपकी। ये दोस्तों पिछली बार ये मैटर हो चुका है। देखिए, हम आपके सामने सारी अपडेट रखते हैं जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से जो ऑथेंटिक न्यूज होती है वही रखी जाती है। ठीक है, अब देखिए शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों क्या मैटर है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था कि सोमवार को भर्ती प्रक्रिया का एक और मामला सामने आ गया। अलग अलग जिलों से आए बेरोजगार युवक युवतियों ने शहर के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया में 22,000 सीटें और बढ़ाई जाए, उन्हें भी भरा जाए, कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। मांगों के समर्थन में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बवाल बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने शुरू में वहां से हटने से मना कर दिया, लेकिन पुलिस की चेतावनी और फिर बल प्रयोग पर कुछ प्रदर्शनकारी वहां से हट गए। जी हाँ दोस्तों, बल का मतलब आप समझ रहे हैं भैया, क्या किया जाता है पुलिस के द्वारा, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यूपी टेट को लेकर बढ़िया खबर आई, लेकिन आपको बता दें यूपी टेट की जो सर्टिफिकेट की वैधता है उसको लाइफ टाइम कर दिया गया, लेकिन शिक्षक भर्ती में दोस्तों आपको मौका एक लिमिट एज तक ही मिलेगा। ये मत सोचिएगा कि आप जब 65 साल के हो जाएंगे तब भी दोस्तों आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 65 साल के हो जाएंगे तो अब यूपी टेट का सर्टिफिकेट तो वैलिड होगा, लाइफ टाइम का मतलब यही होता है, लेकिन दोस्तों आप नई भर्ती के लिए क्या आवेदन कर पाएंगे, इसको समझा करिए गाइस। ये सब मैटर होता है। और आपको बता दें 5 साल के लिए दोस्तों पहले ये वैलिड था, सीटेट आपका 7 साल के लिए वैलिड था। अब सोचिए, अगर आपकी 7 साल में नौकरी नहीं लगती है, वैकेंसी नहीं आती है, तो क्या आप जिंदगी भर इसी के भरोसे बैठे रहेंगे? सवाल दोस्तों बस यहाँ पर यही है। ठीक है, समय से दोस्तों अगर वैकेंसी आए, अगर हर साल दोस्तों समझ लीजिए, अगर हर साल वैकेंसी आए, भले दोस्तों 20-20 हज़ार वैकेंसी आए, तब भी छात्रों के लिए बढ़िया रहेगा, मौका तो मिल रहा है। अब दोस्तों 2 साल 3 साल में एक वैकेंसी आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा? उसके बाद देखिए दोस्तों, स्कॉलरशिप को लेकर क्या अपडेट है। सरकार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार 1 महीने पहले छात्रवृत्ति वितरित करेगी। हर साल 2 अक्टूबर व 26 जनवरी को छात्रवृत्ति वितरित की जाती थी, लेकिन 2 अक्टूबर को दोस्त नवीनीकरण वाले छात्रों को, जबकि 26 जनवरी को सभी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल जाती थी। इस बार 26 जनवरी के बजाय 27 दिसंबर को ही दोस्तों छात्रवृत्ति वितरित होगी। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2021 और 22 के लिए छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समय सारिणी सोमवार को जारी कर दी। तो दोस्तों ये बढ़िया अपडेट आई। देखिए, चुनाव होता है ना तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, स्कॉलरशिप दोस्तों देखिए पहले इसलिए वितरित किया जा रहा है कि बच्चे खुश हो जाए और भैया हमको वोट मिले। ये दोस्तों वोट बैंक है पूरा, समझ लीजिए। ठीक है, और वैकेंसी के लिए भी दोस्तों समझ लीजिए कि वैकेंसी भी जल्दी आ जाएगी। याद रखिए, डीएलएड दोस्तों जो हमारा प्रमोट का जियो है, अभी तक दोस्तों उसको जारी नहीं किया गया है। तो गाइस, धरना भले हमारा सफल हुआ है, लेकिन प्रयास अभी हमारा जारी होना चाहिए ताकि दोस्तों सरकार जल्द से जल्द प्रमोट का ऑफिशियल नोटिस जारी करे। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों की एक ही मांग है। और दोस्तों देखिए, जो बच्चे धरने में गए, जिन्होंने इतनी मेहनत की दोस्तों, भाई उनके लिए भी एक लाइक बनता है। वीडियो को लाइक करके आप उनको सपोर्ट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। और दोस्तों देखिए, 2 हफ्ते में यहाँ पर लिख के आया कि क्लियर कर दिया जाएगा और प्रमोट की आपकी नोटिस आ जाएगी। ठीक है, ये दोस्तों अभी प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियल रूप से आप लोग प्रमोट नहीं हुए हैं बाकी। लेकिन ये मान लीजिए कि पीएनपी जब चाहती है कि आपको प्रमोट होना है,
तो सरकार भी दोस्तों इस पर मुहर लगा ही देगी। बाकी और कुछ और अपडेट्स आती है तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और दोस्तों नई भर्ती की मांग तेज है, तो याद रखिए डीएलएड जो प्रमोट की मांग है दोस्तों, इसको भी हमें तेज ही रखना है। जब तक प्रमोट का नोटिस जारी नहीं हो जाता और चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट नहीं आती, तब तक आपको लगातार हर दिन संघर्ष करते रहना है। मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। अगर आपको दोस्तों कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए गए हैं आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर, जैसे हो गया स्कॉलरशिप स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रमोट की न्यूज हो गई, थर्ड सेमेस्टर डेट शीट, फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट। जी हाँ दोस्तों, मतलब पेपर का सीरियल आप देख लीजिए कि कौन कौन सा पेपर किस दिन होगा, उससे आपकी पेपर की जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।